फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत पूरा देश पिछले 3 दिनों से खतरनाक हिंसा की चपेट में है। दावा किया जा रहा है 17 साल के युवक नाहेल की मौत के बाद फ्रांस में आज जो कुछ हो रहा है उसे पिछले एक दशक का सबसे भयानक दंगा बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी यहां खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों के मन में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई लूटपाट और आगजनी में अरबों का नुकसान हो चुका है। प्रदर्शनकारी इस वक्त सब कुछ जलाने पर आमादा है, उनसे अब कोई चीज सुरक्षित नहीं बची है। फ्रांस में इस दंगे को रोकने के लिए 50,000 पुलिस वाले तैनात किए गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों को किसी चीज का खौफ नहीं है। वो लूटपाट पर आमादा है, भले ही इसके लिए तेज रफ्तार कार से शॉपिंग मॉल का गेट ही तोड़ना क्यों ना पड़े। प्रदर्शनकारी दरवाजा तोड़ने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही दरवाजा टूटता है भीड़ अंदर घुसने लगती है, लेकिन फ्रांस सरकार की अभी तक की हिंसा रोकने की सभी कोशिशें नाकाम रही है। ऐसे में यूरोप के जाने वाले डॉक्टर और प्रोफेसर एंजॉन कैम ने भारत सरकार से सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजने की मांग की है ताकि दंगों को रोका जा सके। एंजॉन कैम ने ट्वीट कर लिखा, भारत सरकार जल्द से जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजे यहां जारी दंगों को रोकने के लिए, वो 24 घंटों में ऐसा कर देंगे। जॉन कैम के इस ट्वीट को यूपी सीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी रिट्वीट किया गया। साथ ही लिखा कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में दंगा भड़कता है, अराजकता फैलती है और कानून अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया सांत्वना तलाशती है और उत्तर प्रदेश में महाराज जी की ओर से स्थापित कानून एवं व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल को ढूंढती है। वहीं अब इस मामले पर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी को सीएम योगी और उनके न्याय मॉडल की तारीफ कुछ खास रास नहीं आ रही। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भाई भाई भाई, फिरंगियों की तारीफ के इतने भूखे हैं कि किसी फर्जी अकाउंट के ट्वीट से खुश हो रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा, झूठे एनकाउंटर, गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई और कमजोरों को निशाना बनाना कोई परिवर्तनकारी नीति नहीं है, ये जमहूरियत का विनाश है। योगी मॉडल का सच तो हमने लखीमपुर खीरी और हाथरस में देखा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।